समाज सेवी मोहन अग्रवाल के नाम से लोकार्पण हुआ बिरसा के वृद्ध आश्रम का पुरुष सेवा कच्च। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिरसा जिले के श्री हरि वृद्ध आश्रम के आधार स्तंभ रहे वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय मोहन अग्रवाल की सेवा धर्मिता स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु वृद्ध आश्रम का पुरुष सेवा कच्च, उनके पुत्र डॉक्टर भारत अग्रवाल सहित उनके परिजन और वृद्ध आश्रम के मार्गदर्शक महीप भानु शर्मा, संचालक वेद प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में लोकार्पित हुआ। वृद्ध आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा ने वृद्ध आश्रम के पुरुष कच्च को समाज सेवी के नाम समर्पित करते हुए कहा कि वरिष्ठ समाज सेवी मोहन अग्रवाल का पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से समाज के कल्याण हेतु समर्पित रहा। वे सेवा के संत थे, उन्होंने समाज को जमीनी सेवा का पाठ पढ़ाया। गौरतलब है कि स्वर्गीय मोहन अग्रवाल ने वृद्ध आश्रम को संचालित करने हेतु शुरुआत से अनेक बार गुप्त रूप से आर्थिक सहयोग किया और प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था के साथ रसोईया नहीं आने पर आश्रम में कई बार खुद भी भोजन बनाकर परोसा। वे आश्रम की हर कठिन सेवा में अग्रणी रहे। उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से आश्रम में अनेक नवाचार करते हुए कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया। इस अवसर पर उनके पूरे परिवार ने बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन कराकर बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा के इस अवसर पर डॉक्टर भारत अग्रवाल ने की वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की 24 घंटे कठिन सेवा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे यह संस्था बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। उन्होंने संस्था की पूरी टीम के सेवा भाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए आश्रम के गार्डन में मीठी नीम का वृक्ष भी लगाया। विद्या से श्रीमती इंदिरा शर्मा अध्यक्ष तथा वेद प्रकाश शर्मा संचालक से बातचीत करते हुए आइए देखते हैं विद्या से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। आज मोहन अग्रवाल जी बाबू जी का पूरा परिवार वृद्धाश्रम में यहाँ भोजन कराने के लिए आए। मोहन बाबू जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वृद्धाश्रम में एक कक्ष मोहन बाबू जी के नाम पर किया गया, उसका लोकार्पण उनके परिजनों द्वारा किया गया। साथ ही मोहन बाबू जी वृद्धाश्रम में बड़े लंबे समय से अपनी सेवाएं देते थे, अपना मार्गदर्शन देते थे, उनके मार्गदर्शन में ये वृद्धाश्रम का संचालन होता था और उनके आज उनके परिजनों ने भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ सभी बुजुर्गों से अपना आशीर्वाद लिया और यहाँ उनको भोजन कराया। श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा के प्रेरणा पुरुष, विदिशा के वरिष्ठ समाज सेवी मोहन लाल जी अग्रवाल की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए वृद्धाश्रम के पुरुष सेवा कक्ष को पूज्य मोहन लाल अग्रवाल जी के नाम से आज लोकार्पित किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र आदरणीय भरत अग्रवाल जी और पूरा परिवार मौजूद था। जी, आज पूज्य मोहन लाल जी अग्रवाल जी के परिवार के द्वारा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन कराया गया। Thank you.
थोड़ा भाई तो थोड़ा बैठेंगे अंकल पानी और दे थोड़ा सा यहाँ देखिएगा जी सामने देखिए थोड़ा सा एक मिनट ये तो पहले ये टूल नहीं हुआ करते थे तो नीचे बैठा चलो भाई बाबू ये है जिनको मैं अंदर बता रही थी ना अच्छा बंदे को भी देख उधर से चौथे पांचवे चौथे पांचवे वो अभी नाम नहीं बता पा क्या हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी जो उनकी याद ही है अंकल ये हमेशा